हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रोटीगाइन एम टैबलेट के बारे में, जो कि एक एलोपैथिक मेडिसिन है, तो इसको लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी डिटेल्स, यूसेज, डोज, ओवरडोज, मिसडोज, मोड ऑफ एक्शन, प्रिकॉशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ड्रग इंटरेक्शंस, साइड इफेक्ट और लास्ट में इसके प्राइस के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं इसकी डिटेल्स। दोस्तों, मैनकाइंड कंपनी की टैबलेट है ये ड्रोटीगाइन एम। मैनकाइंड इंडिया की नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसके प्रोडक्ट वैसे बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन टैबलेट है। इसके अंदर ड्रोटावेराइन 80 mg में होता है और मैफिनेमिक एसिड 250 mg में होता है, जिसमें ड्रोटावेराइन एंटी स्पाजमोटिक ड्रग होता है और मैफिनेमिक एसिड एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्गेसिक मेडिसिन ग्रुप से बिलोंग करता है। ये दोनों साथ में कंबाइंड होने की वजह से ये पेट और पेड़ों के दर्द और सूजन में बहुत ज़्यादा लाभकारी टैबलेट होती है। जान लेते हैं इसके यूसेज। दोस्तों, ये मेंस्ट्रुअल पेन, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, एब्डोमिनल पेन, मसल्स पेन, स्मूथ मसल्स पेन, पेट में सूजन, पीरियड पेन, पीरियड के टाइम होने वाली ऐंठन, लूज मोशन के बाद होने वाला पेट में दर्द, लीवर में सूजन होने पर जो दर्द होता है वो, पैनक्रियास में ऐंठन, इंटेस्टाइनल स्पाज्म और बाकी लगभग सभी तरह के पेट और पेड़ों के दर्द के लिए इस टैबलेट को दिया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं ये स्मूथ मसल्स के सभी तरह के दर्द में दी जाने वाली एक लाभकारी टैबलेट होती है। जान लेते हैं इसकी डोज। इसका 12 साल से ऊपर वाले पेशेंट को एक टैबलेट दिन में एक बार से लेकर एक टैबलेट दिन में 3 बार तक दिया जा सकता है। ये पेशेंट के दर्द के सीवियरिटी पर डिपेंड करती है कि पेशेंट को कितना दर्द है और कहाँ पर दर्द है। ओवरडोज की अगर हम बात करें, इसकी ओवरडोज लेने पर मेडिकल रिसर्च में कोई इफेक्ट सामने नहीं आया है अभी तक। फिर भी अगर आपने इसकी या किसी भी टैबलेट की ओवरडोज ले ली है तो तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें या अपने आसपास के हॉस्पिटल में जाएं। बात करते हैं मिस्ड डोज के बारे में। यदि आपसे इसकी कोई डोज मिस हो गई है तो जैसे ही याद आए तभी उसकी डोज ले लें। यदि तब तक नेक्स्ट डोज का टाइम हो गया है तो नेक्स्ट वाली डोज से ही कंटिन्यू रखें। डोज मिस हो जाने पर अगली बार में डबल डोज बिल्कुल ना लें, पिछली वाली डोज को स्किप कर दें। अगर आप जब तक याद आती है तो तब तक नेक्स्ट डोज का टाइम हो ही गया है तो फिर उसे ले लें नेक्स्ट वाली को। जान लेते हैं मोड ऑफ एक्शंस की ये कैसे काम करती है। ये टैबलेट स्मूथ मसल्स में अनबैलेंस्ड कैल्शियम लेवल को बैलेंस करती है और प्रोस्टाग्लैंडिन के एक्शन को ब्लॉक करने का काम करता है, जिस कारण स्मूथ मसल्स का दर्द व ऐंठन खत्म हो जाती है। ड्रोटावेराइन एक एंजाइम को ब्लॉक करने का काम करता है जो स्मूथ मसल्स में कैल्शियम लेवल को रिड्यूस करता है। मैफेनेमिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोकता है जो दर्द के लिए जिम्मेदार होता है। जान लेते हैं प्रिकॉशंस। प्रेगनेंसी में पेट में होने वाले दर्द पर इसको लिया तो जा सकता है लेकिन डॉक्टर की सलाह पर ही, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में पेट में दर्द कई वजहों से भी हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं भी इस टैबलेट को अपनी सलाह पर ना लें, सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लें, क्योंकि इस टैबलेट को लेने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बचना चाहिए, क्योंकि ये मिल्क के माध्यम से बेबी के शरीर में जा सकता है जिससे उसको बेबी को नुकसान हो सकता है। ड्राइविंग करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कर सकते हैं, फिर भी ध्यान रखें इस टैबलेट को लेने के बाद। किसी किसी को डिजीनेस वगैरह हो सकती है, वो किसी किसी को बहुत रेयर कंडीशन में, अदरवाइज़ आप ड्राइविंग कर सकते हैं। एल्कोहल के साथ इसको लेने से बचें, क्योंकि एल्कोहल के साथ इसको लेने से आपको चक्कर आ सकते हैं और एल्कोहल से इस टैबलेट का असर भी कम होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख लेते हैं इसके कुछ। इस टैबलेट के अंदर किसी भी साल्ट से एलर्जी है, यानी कि ड्रोटावेराइन या मैफेनेमिक एसिड, किसी से, दोनों में से किसी से भी अगर आपको एलर्जी है तो इस टैबलेट को बिल्कुल ना लें। अस्थमा और रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रॉब्लम वाले पेशेंट इस टैबलेट को बिल्कुल ना लें। एपिलेप्सी यानी दौरे पड़ने वाले पेशेंट इस टैबलेट का सेवन अपनी मर्जी से ना करें। महिलाओं में इनफर्टिलिटी की दिक्कत देखने को मिल सकती है, तो जो महिलाएं कंसीव करने की सोच रही हैं या प्रेगनेंसी प्लान करने की सोच रही हैं या कंसीव करने का उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो इस टैबलेट को लेने से बचें। किडनी और लीवर डिसफंक्शन और अस्थमा और एपिलेप्सी और पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट इस टैबलेट को लेने से बचें। ब्लड रिलेटेड कोई दिक्कत अगर आपको है, जैसे अनयूजुअल ब्लीडिंग और पोरफायरिया, तो इस टैबलेट को लेने से बचें। ड्रग इंटरेक्शंस देख लेते हैं कि किस किस टैबलेट के साथ आपको इसको नहीं लेना है। ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने वाली मेडिसिन जैसे एलिस्क्रीन, कैप्टोप्रिल और वालसार्टन, इसके साथ इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। ब्लड थिनर यानी कि ब्लड को पतला करने वाली जो मेडिसिन होती हैं जैसे वारफेरिन, तो इस टैबलेट को वारफेरिन के साथ ले सकते हैं।
पर सावधानी के साथ, क्योंकि इससे ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। अदर पेन किलर्स और एनाल्गेसिक के साथ ना लें, कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप रखें अदर पेन किलर और इस टैबलेट के बीच में। शुगर वाले पेशेंट्स में ये टैबलेट शुगर की मेडिसिन के एक्शन को बढ़ा सकता है, जिससे आप लो ब्लड शुगर के सिम्टम को फील कर सकते हैं। वाटर पिल्स जैसे साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिमस को इस टैबलेट के साथ लेने से किडनी पर थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर आप इस टैबलेट को मानसिक रोग के यानी कि मेंटल इलनेस को ट्रीट करने वाली मेडिसिन और स्टेरॉयड के साथ लेते हैं तो अल्सर और ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। अदर मेडिसिन जैसे प्रेडनिसोन, मेथोट्रिक्जेट, फ्लूकोनाजोल, जिडोव्यूडाइन, डाइगोक्सिन वगैरह के साथ आप इस टैबलेट को ले सकते हैं, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। डायरिया आपको हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग और ड्राइनेस ऑफ माउथ, थ्रस्टी फीलिंग हो सकती है, प्यास अत्यधिक लग सकती है, इचिंग या रैशेस वगैरह हो सकते हैं, ये कुछ नॉर्मल से इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इनसे अलग कोई भी साइड इफ़ेक्ट वैसे तो इसका नहीं है। यदि आपको कोई एबनॉर्मल साइड इफ़ेक्ट दिखाई देता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें। जान लेते हैं लास्ट में इसके प्राइस। दोस्तों ये 79 रुपये की 10 टैबलेट की स्ट्रिप आती है, यानी कि समथिंग 7 रुपये 90 पैसे यानी कि 8 रुपये के आसपास की आपको एक टैबलेट पड़ेगी, और बाकी अलग अलग जगहों पर प्राइस थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी ड्रोटिकाइन एम टैबलेट के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।